कांग्रेस हमेशा देश में फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब लोग विकास के आधार पर वोट करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार बीजेपी इतिहास रचने जा रहा है। चंबल संभाग से इस बार जनता ऐतिहासिक मतों से बीजेपी को जीत दिलाएगी। यह बात एक दिन के प्रवास पर ग्वालियर आए बीडी शर्मा ने कही। इस दौरान प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में संगठन विस्तार और संगठन के कामों को लेकर चर्चा की गई। निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ बैठक कर 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुट रही है। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड सीटों से चुनाव जीती है। गुजरात के बाद यह आंधी अब मध्य प्रदेश में भी चलेगी और 2023 में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। राजनीतिक इतिहास में लगातार इतने वर्षों तक और इतना वोट शेयर बढ़ना और 157 सीटें जीत करके आना, ये किसी भी राज्य में आजादी के 75 वर्षों में जो इतिहास बना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का अथाह विश्वास और गुड गवर्नेंस के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम देश की राजनीति में एक स्थायित्व देने का जिस प्रकार का प्रयास जनता ने समर्थन दिया है, तो ये एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम देश के अंदर आए हैं। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली के अंदर संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का हमें सबका मार्गदर्शन मिला। उस बैठक में संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो बातें आगामी समय में तय हुई हैं, विशेष तौर पर राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक और राष्ट्रीय कार्य समिति, तो पदाधिकारी बैठक लगभग 3 महीने के अंदर अंतराल से होती है, वही नियमित बैठक दिल्ली के अंदर संपन्न हुई और उस बैठक में जो चीज़ें तय हुई हैं उन चीज़ों को नीचे अब उतारना, क्योंकि उसके बाद हमारी जिलों की बैठकें होंगी, उसके बाद फिर हमारी मंडल की बैठकें होंगी। एक हफ्ते के अंदर लगभग हम 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर इन बैठकों को नियमित तौर पर हम करते हैं, तो उसी निमित्त आज ग्वालियर का प्रवास है। ग्वालियर के प्रवास में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिवप्रकाश जी और हमारे सभी संभाग के पदाधिकारी, संभाग के हमारे जिलों के अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, तो वो बातें जो तय हुई हैं संगठन काम के विस्तार से लेकर के सुदृढ़ीकरण, इन सारी बातों को आज सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठ करके हम उन बातों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सर, ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि सबसे बड़ा डेट तो यहाँ से लगा था 2018। बैठकें सभी जगह हो रही हैं, बीच में उज्जैन संभाग की बैठक हुई, भोपाल संभाग की बैठक हो गई, नर्मदापुर संभाग की हो गई, अभी चूंकि बैठक संपन्न होने के बाद ग्वालियर संभाग की बैठक आज चल रही है और ये नियमित तौर पर सारे प्रवास हमारे जो सभी पदाधिकारियों के, रामकृष्ण कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी हमारे प्रदेश के सह प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पर हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में, सागर संभाग में विशेष तौर पर मैंने पहले ये उल्लेखित किया था कि उनका फोकस इन संभागों के दौरे पर ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए वो भी आज बैठक में उपस्थित हैं। और संगठन काम के विस्तार के लिए और काम के आगामी जो तैयारी है, अब उसमें आप 2023 भी कह सकते हैं, 2024 भी कह सकते हैं, समय अब आ गया है। और मैंने कल कहा है कि गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा, क्योंकि जो गरीब कल्याण की योजनाएँ, गरीबों का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, यही हमारी बड़ी ताकत होगी। नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का। सर, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए ये जो कांग्रेस की बी टीमें काम करने का प्रयास करती हैं, कांग्रेस देश के अंदर जिंदगी भर हमेशा से फूट डालो राज्य करो, किसी न किसी रूप में वो इस प्रकार के भ्रम, छल कपट की राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब देश की जनता में ये विश्वास जागृत हो गया है कि कांग्रेस
कि ये जो फूट डालो राज करो की नीति देश के अंदर नहीं चलेगी। आज विकास की राजनीति और गरीबों के जीवन बदलने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीति की दिशा और दशा बदली है, इस आधार पर जनता को विश्वास जागृत हो रहा है और धीरे धीरे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2018 का भी परिणाम रहा था, हमारे 7 सीटें बीजेपी के पास आई थी, 2023 में क्या संभावना रही? ग्वालियर चंबल संभाग में आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ग्वालियर चंबल संभाग में इतिहास बनेगा। और जिस प्रकार से कभी ये परसेप्शन जाता है ग्वालियर चंबल संभाग के कारण से सरकार हमको सीटों से पीछे रह गए थे, वोट तो भाजपा को ज्यादा मिले थे, तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से यहीं से जिता करके भेजे। हमारे स्पॉन्सर हैं गहना ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या फिर डायमंड से बनी ज्वेलरी लेने के इच्छुक हैं? शादी के लिए लेना हो तो गहना ज्वेलर से ही लेना। गहना शोरूम आए और गहना ले जाएं। शुद्धता की फुल गारंटी। सराफा बाजार, ग्वालियर।